बच्चों आज हम शुरू करते हैं आपका ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल्स। तो बच्चों आर्टिकल सीखने के लिए तैयार हो? ओके लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों शुरू करते हैं आर्टिकल्स। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? आर्टिकल्स। तो अब मैं आपको आर्टिकल्स आपने पहले भी सीखे होंगे, तो आज हम देखते हैं कि ये आप ड्राइंग देख सकते हो। तो बच्चों आर्टिकल्स क्या है? तो ए एंड एंड द कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नेमिंग वर्ड्स। तो नेमिंग वर्ड के पहले आर्टिकल आता है। वी यूज़ ए और एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग। अब ए और एंड कब यूज़ करते हैं? जब एक पर्सन हो, प्लेस हो और एक थिंग हो। वी यूज़ ए नेमिंग वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट होता है बच्चों तब हम ए यूज़ करते हैं। जैसे आप पहले भी सीख गए हो थर्ड स्टैंडर्ड तक ए कोई भी वोवेल्स हो कि ए ई आई ओ यू कोई भी स्पेलिंग का पहला लेटर अगर वोवेल्स से शुरू होता है तो उसके आगे एन होता है, और अगर वो स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके आगे ए आता है। जैसे एग्जाम्पल है डॉग, अ मैन, अ हाउस, राइट बच्चों? अब वी यूज़ ए एन, तो आपको पता है कि जो वोवेल से शुरू होते हैं, जैसे अम्ब्रेला है तो उसका यू वो वोवेल्स है इसलिए एन से शुरू हुआ। ऑक्स वो भी वोवेल्स है। एन इग्लू एन अवर, तो यहाँ पे अवर में एच है लेकिन क्या बोला जाता है? अवर बोला जाता है। उसका हम स्प्लिट कैसे करते हैं? अवर, इसलिए यहाँ पे एन आता है। वी यूज़ द व्हेन वी टॉक अबाउट द नेमिंग वर्ड विच इज़ डिफीटेड ऑफ यूज द सेकेंड टाइम। जब दूसरी बार वही का वही वर्ड यूज़ होता है तब हम द यूज़ करते हैं। जैसे द सन, द मून एंड द गंगा, उसकी यही एक्सरसाइज है बच्चों कि यहाँ पे देखो आई है इसलिए एन, वुमेन है इसलिए ए, बुक तो अ बुक, एंड ऑस्ट्रिच यहाँ पे वोवेल है तो इसलिए एन, ओ वो भी वोवेल है तो एन, अ ए एन, अगली है इसलिए अगली, बोलते हैं हम अ लेकिन वो लिखने में यू है इसलिए एन आएगा बच्चों, एन एल्बो, द स्टार्स, द माउंटेन, वो एक ही चीज़ होती है। माउंटेन दुनिया में वो रिपीट नहीं होती है। माउंटेन मतलब एक ही, माउंटेन मतलब पहाड़ी होती है वो, उसमें इसलिए आगे ध आया, राइट बच्चों? एन आंट, एन एरोप्लेन, एन एप्पल, अ नेस्ट, फिर अ पर्सन, अ काइट, एन एस, एस का मतलब होता है बच्चों, एस का मतलब है वो कुहाड़ी, फिर टाइगर, एग, गर्ल, रामायण, द रामायण। रामायण पूरी दुनिया में एक ही बार है, उसका वो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, राइट बच्चों? इसलिए उसमें द है। द स्टार्स, द ताजमहल, अ बेबी, एन आई, अ बर्ड, अ क्वीन, एन ऑनेस्ट मैन और द बाइबल। ओके बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। मैं इसकी PDF सॉल्यूशन भेजूंगी, वो आपको देख देख के ये आपकी इंग्लिश की नोटबुक में अकेली एक्सरसाइज आपको लिखने की है और उसका ये डेफिनेशन लिखना है। ओके बच्चों, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।